इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में तबलीगी जमात के 15 लोगों के ब्लड सैंपल जांच के लिए कस्तूरबा अस्पताल भेजे गए हैं। आपको बता दें कि ये जमात बांग्लादेश से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली होते हुए मुंब्रा पहुंची है। पुलिस को जैसे ही इनकी जानकारी मिली कि तबलीगी जमात मुंब्रा में है, वैसे ही पुलिस और ठाणे महानगर पालिका की डॉक्टर की टीम मौके पर पहुंच गई और जानकारी दी गई है कि 13 बांग्लादेशी हैं और 2 भारतीय आसाम के रहने वाले हैं। बहरहाल इन 15 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। अब इनकी रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या जानकारी दी है इस पूरे मामले में DCP सुभाष बोरसे और जमीयतुल उलमा हिंद के मुंब्रा के सदर मौलाना वहाब कासमी ने। तबलीग जमात के लोग मुंब्रा में मकसूद नगर की जो मस्जिद है वहाँ पे आए, ऐसे इंफॉर्मेशन मिला था। उस आधार पर हम कॉरपोरेशन की डॉक्टरों की टीम लेके वहाँ पे गए थे, तो वहाँ 13 बांग्लादेशी लोग नागरिक जो है वो वहाँ पे मौजूद थे और वो दिल्ली से आए हुए हैं। उनका मेडिकल टेस्ट करवाया है और टेस्ट के बाद अभी फ़िलहाल तो उनको होम क्वारंटाइन किया है। टेस्ट के बाद अगला प्रोसीजर महापालिका करेंगे। ये लोग बांग्लादेश से ढाका से यहाँ आए कलकत्ता में और कलकत्ता से दिल्ली गए हैं। दिल्ली करके वो मुंबई है, मुंबई यानी ठाणे आए हैं। दो भारतीय है, दो आसाम के लोग हैं उनके साथ। अब जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो जमातें चल रही हैं, जैसे दिल्ली से जमात 50 लोगों की निकली तो एक स्टेट में महाराष्ट्र स्टेट में आएगी, 10 किसी दिल्ली में जाएंगे, 10 किसी दिल्ली में जाएंगे। इसी तरीके से तकरीबन 20-25 लोग थाना जिले में भी आए, तो उसमें कोई मलेशिया की जमात थी, मलेशिया के लोग थे 10, और कहीं बांग्लादेश के लोग थे और कहीं जो है अफ्रीका वगैरह के लोग थे। तो इस तरीके से अब आए, जब यहाँ पे वो लोग आए और यहाँ जमात मस्जिदों में काम कर रहे थे और एक बैग लॉकडाउन हो गया कि आप कहीं जा ही नहीं सकते हैं, तो मस्जिदों में जो जमातें थीं वो मस्जिदों में रह गईं और जो मुकामी लोग थे, जो यहाँ के लोग थे, वो तो अपने अपने घरों पे चले गए। अब ये बेचारे बाहर के हैं। इस मस्जिद के अंदर तकरीबन 15 लोग थे, जिसमें 13 बांग्लादेशी थे और 2 जो है आसाम के थे, और ये सब दीन का काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। कल पुलिस आई तो पुलिस ने इनको बुलाया बाहर, इनका पासपोर्ट चेक किया और इनका खून वगैरह ले लिया और इनकी तलाश, इनकी रिपोर्ट के लिए भी खून को भेज दिया। और पुलिस वाले भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मस्जिद के बाहर ही सबको बुला करके सब चेक करे और चेक करके और सबकी रिपोर्ट के लिए इनको भेज दिया है कस्तूरबा हॉस्पिटल। अब वहाँ से कल रिपोर्ट आ जाएगी कि इनके अंदर क्या है। मुंब्रा में सिर्फ 2 जमात है थी, उसमें 10 लोग थे, उसकी भी पूरी डिटेल जो है हम लोगों ने दे दिया है और डॉक्टर और पुलिस वाले आकर के पूरा चेक कर लिए हैं। और यहाँ पे एक जमात थी जो जिसमें 15 लोग थे, जिसमें 2 आसाम के थे और 13 बांग्लादेश के थे। जो भी जमात आती है वो रहती है, हम लोगों को भी नहीं मालूम है कि ये कहाँ की जमात आई है, क्योंकि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से हम लोग मस्जिद में गए नहीं। अब मस्जिदों में जो लोग थे, हम लोगों ने ऐलान करा दिया भाई 4-5 लोग नमाज पढ़ें, ज़्यादा जमा वमा मत करें, भीड़ उड़ जमा मत करें, इस हिसाब से ये लोग यहाँ थे। फिर बाद में पता चला कि ये जमात भी यहाँ रुकी हुई है। अभी ये मस्जिदों के अंदर जो है जिस जहाँ जहाँ पे वो लोग रहते थे वहीं पर उनको क्वारंटाइन किया गया है और इनकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद इनको कहाँ सेट करना है, कहाँ रखना है, फिर वो गवर्नमेंट अपना करेगी। ठाणे पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर, DCP सुभाष बोरसे, ACP घोसालकर और मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कर्ण ने लोगों को घरों में रहने की अपील की है और इस नाजुक वक्त में आप घरों में ही रहें। और अब जिस तरह से मुंब्रा में शांति बनी हुई है, इसी तरह से शांति कायम रखें, अपने घरों में रहें और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, वरना घर से बाहर ना निकले। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।